इस वीडियो में हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त की परिधि कैसे निकालें, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को अंत तक ही देखना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या है हमारा? एक वृत्त दे रखा है, एक वृत्त है हमारा। और ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है, यानी सेंट्रल पॉइंट है, मध्य बिंदु दे रखा है। इसको कुछ नामकरण करते हैं। इसका ओ से हमने इसका नामकरण दे दिया, ओ से ऑरेंज वाला, ओ से नाम दे दिया इसको, इस बिंदु का नाम ओ दे दिया। अब अगर हम एक लाइन खींचें इस बिंदु से यहाँ तक जहाँ ख़त्म हो रहा है सर्कल, वृत्त जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक की एक लाइन खींचें, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, यानी रेडियस बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, ठीक। अब जितनी भी इस मध्य बिंदु से आप लाइन खींचेंगे यहाँ तक, वो सभी हमारी क्या होंगी? त्रिज्या होंगी। क्या होंगी? त्रिज्या होंगी। ये सारी लाइनें क्या है? हमारी त्रिज्या है। और सभी बराबर हैं एक दूसरे के, सभी क्या हैं? बराबर भी हैं एक दूसरे के। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो है ना, इस हम पूरे जो वृत्त दे रखा है इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। और हम त्रिज्या को मान लेते हैं, ये त्रिज्या दे रखी है, इसको मान लेते हैं ये कितनी है, ये आर सेंटीमीटर दे रखी है। कितने सेंटीमीटर दे रखी है? आर सेंटीमीटर दे रखी है ना, आर सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या दे रखी है। अब अगर हम क्षेत्रफल निकालें वृत्त का, तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी अभी इसकी त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर है, ठीक। अगर हम चाहें कि इसकी त्रिज्या अब कितनी है, अगर हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर है, क्या है इसकी त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पाई लिखेंगे और आर की जगह पे अब क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये किसके बराबर है? आर के ही बराबर है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर इंटू आर। भाई जितनी पावर दे रखी होती है, जितनी घात होती है, उसको हम उतनी बार में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक। इस तरीके से देख लेते हैं, चलो इस तरीके से देख लेते हैं। थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले 7 स्क्वायर, आर की जगह पे हमने 7 लिखा, स्क्वायर हो गया। अब 7 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 7 × 7 लिखेंगे, ठीक। अब हमें एक चीज़ और पता है कि ये जो पाई की वैल्यू होती है, पाई का जो मान होता है वो कितना होता है? पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7 होता है। तो ये जो मान है पूरा का पूरा उठा के हम इसकी जगह पे लिख देंगे, तो 22/7 × 7 × 7। अब इसको हल करते हैं। देखो, एक 7 से कट जाएगा, 7, 22 × 7 बचा, ठीक। अब इसको गुणा कर लो, 7 × 2 = 14 हासिल एक गया, 7 × 2 = 15, तो 154 आया। 154 लिखेंगे क्या अब यहाँ पर? सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा ये भी जान लेते हैं। देखो, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हमारा कितना होगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे भाई, ए इंटू ए करते कितना हो जाता है? ए स्क्वायर हो जाता है ना। तो हमने जब आर इंटू आर किया तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में आई होगी मुझे लगता है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया हमारा। ये जो वृत्त है पूरा, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हम बात करें कि इसकी परिधि क्या, कैसे निकाली जाएगी, इसकी परिधि कैसे निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि परिधि क्या होती है। परिधि क्या होती है हम लोग जानेंगे। परिधि कुछ नहीं, अगर हम यहाँ से चलें, हम मान लेते हैं हम यहाँ से चले और फिर यहीं पर आ गए, और हमने पूछा कि यहाँ से चलने के बाद जो तुमने पूरी दूरी तय की है वो कितनी थी, वो अगर हम पूछें आपसे तो वही क्या होगी? उसकी परिधि होगी। क्या होगी? उसकी परिधि होगी। तो परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है, परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। r क्या है हमारा? वही त्रिज्या है, रेडियस है।
तो हम लोग इसको रख देंगे यहाँ पर 2, पाई की जगह पे अभी हमने बताया था क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 क्या होता है, 22/7 होता है, तो पाई की जगह पे हम लोग 22/7 लिखेंगे और आर की जगह पे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, है ना, क्योंकि आर क्या दे रखा है हमारा, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसको हल करेंगे, देखिए 7 से 7 गया और 2 का गुणा करेंगे हम लोग 22 से, कितना आएगा 44 हमारा आ जाएगा। अब 44 हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अब देखो सेंटीमीटर यहाँ पर कई बार यूज़ हो रहा है, सेंटीमीटर हम लोग आर का यूज़ एक ही बार कर रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर भी एक ही बार आएगा, अगर हम लोग आर इंटू आर करते तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, आर क्यूब करते तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा बस, तो 44 सेंटीमीटर हमारा आ गया। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 44 सेंटीमीटर है और पूरा जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है।